मेरा नाम रविंद्र कुमार है और साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एयर टू टोज यानी सीट से पैर तक के विभिन्न अंगों की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास UKG में, वही देखते हैं हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है इसे आप लोग बाद में नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में है एयर यानी सिर। सिर हमारा जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद फोर हेड यानी कि ललाट। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ललाट जो है बात के जस्ट नीचे होता है। आईब्रो जो आँख के ऊपर वाला है, ब्लैक का बालों वाला जो काला धारी है इसको आईब्रो बोलते हैं। ठीक है, आई यानी आँख जिससे हम देखते हैं, अर्थात वी सी विथ आवर आईज। ईयर यानी जिससे हम लोग सुनते हैं कान। दुनिया में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं, उन सभी आवाज़ों को सुनते हैं और पहचानते हैं कौन सी आवाज़ किसकी है, किस तरह की है। उसके बाद नोज। नोज से आप लोग समझ रहे हैं ना, यानी कि सांस लेते हैं और सांस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। विभिन्न प्रकार के खुशबू लेते हैं, फूलों को भी, फूलों की खुशबू, घर में जो पकवान आदि बनते हैं उसकी खुशबू, उससे हमें जानकारी होती है। और नाक के बाद है माउथ, अर्थात माउथ यानी मुँह जिससे हम लोग खाते हैं, है ना, दांतों से चबाते हैं और भोजन हमारा मुंह के रास्ते होते हुए पेट में जाता है और भोजन पचने के बाद हमारा शरीर मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं एल्बो। एल्बो यानी क्या है, केहूनी। ये देख रहे हो इस भाग को एल्बो बोलते हैं यानी केहनू बोलते हैं। ये हमारा बॉडी का एक आम पार्ट है जो हाथ को घुमाने में मोड़ने में हमारी सहायता करता है। उसके बाद हैंड, ये हमारा हैंड है और हैंड हमारे बहुत सारे कामों में आता है। जैसे लिखने के काम आता है, कोई सामान को पकड़ते हैं इससे उठाते हैं और हाथ से भोजन को उठा के खाते भी हैं, जैसा कि आप लोग भी प्रतिदिन करते हैं। उसके बाद फिंगर, ये हमारी उंगलियाँ हैं, फिंगर है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और थाई यानी कि हमारे पैरों के ऊपरी हिस्सा जो है वो उसको थाई बोलते हैं। थाई मीन्स जाम होता है। ठीक है, और सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। उसके बाद नी, जिस तरह से ये एल्बो है तो हमारे पैर का जो घुटना है उसको नी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फुट यानी पैर जिससे हम लोग चलते हैं और आप लोग भी खूब कूदते हैं, पानते हैं, इधर उधर घूमते हैं, दौड़ते हैं, जिस जो हमारा फुट है वो इन सभी कामों में हमारी सहायता करता है। हेयर यानी कि बाल जो ब्लैक कलर का होता है। नेक अर्थात गर्दन, गर्दन जो है हमारे शरीर का ब्रेन यानी कि फेस अर्थात इस अस्कल और फेस को और बॉडी के दूसरे अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये हमारा गर्दन है यानी नेक है। शोल्डर अर्थात कंधा, कंधा हमारे शरीर का एक मजबूत हिस्सा होता है जिससे बहुत सारे भारी भारी सामान को भी ढोया जाता है। ठीक है, स्टोमक यानी पैर, लेग यानी पैर, हील अर्थात एड़ी, एड़ी समझ रहे हैं, एड़ी जो हमारे पैर के सबसे पीछे वाला हिस्सा, एड़ी जिसपे कि पूरे शरीर का भार रहता है। और लास्ट में टोज, टोज यानी पैर की उंगली, ये हमारे पैर शरीर का सबसे आखिरी हिस्सा है टोज। और ये सभी जो 20 हमने अभी यहाँ पे लिख रखा है पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, इसे आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेंगे और स्पेलिंग चाहिए खूब बढ़िया से याद कर लेंगे, क्योंकि आगे जो भी पूछा जाएगा या टेस्ट वगैरह कराया जाएगा तो इनका स्पेलिंग बहुत आप लोगों को सही से ही लिखना होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे जो आपके बुक में पेज पलट के देखिएगा चैप्टर 1 में। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ फिंगर, फिंगर से यानी उंगलियाँ। इन उंगलियों के अलग अलग 5 नाम हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। लेकिन इंग्लिश में इसका नाम अलग अलग है। जैसे अंगूठा, अंगूठा को बोलते हैं THUMB थंब। ठीक है, दूसरा है तर्जनी, तर्जनी को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। तीसरा है
जिसको बोलते हैं मध्यमा। तो अभी हमने बताया जैसा कि इसको हमने बताया क्या बताया था थंब, ठीक है, चीवन में रखा थंब। थंब इस क्या होता है अंगूठा, ठीक है। सेकंड उंगली जो है उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर अर्थात सूचक उंगली। इससे हम लोग किसी चीज़ को सूचित करते हैं, वो देखो क्या है, वो क्या है ना, इसको सूचक उंगली अर्थात इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। तीसरा है मध्यमा, मध्यम मतलब क्या होता है मिडिल यानी बीच का भाग अर्थात मिडिल फिंगर, जिसको मध्यमा बोलते हैं। उसके बाद है ये इसमें अंगूठी पहनते हैं और रिंग मीन्स क्या होता है अंगूठी होता है, इसलिए इसका नाम रिंग फिंगर रखा गया है। डू यू अंडरस्टैंड। और लास्ट जो है ये सबसे छोटी उंगली है, इसलिए इसको लिटिल फिंगर भी कहा जाता है, अर्थात अंगूठा थंब सूचक उंगली तर्जनी अर्थात इंडेक्स फिंगर, मध्यमा अर्थात मिडिल फिंगर और अनामिका अर्थात रिंग फिंगर और पांचवा है कनिष्ठा अर्थात लिटिल फिंगर। अब आप लोगों को याद हो गया होगा। लेट अस नाउ वी स्टडी अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर लेग एंड हैंड्स। सो नाउ यू लुक हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, व्हाट इज द रीजन ऑफ हियर विच इज आवर हैंड्स एबल टू राइट हैंड। ये हमारा हाथ किस काम में सहायता करता है, यानी हम अपने हाथों से क्या करते हैं, राइट अर्थात लिखते हैं। किसी भी मैटर को लिखना होता है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो वहाँ पर हम लोग हाथ का प्रयोग करते हैं। एंड ईट, जो भी चीज़ हमें खाना होता है उसको हाथ से ही खाते हैं ना, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को भी याद करना है। आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट एंड ईट। एंड लास्ट जो है आवर लेग्स, हैंड एंड लेग, ये जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक अंग है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और लेग हमारे लिए क्यों उपयोगी है, आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक रन जंप एंड प्ले। चलने में हमारी सहायता करता है, दौड़ने में हमारी सहायता करता है, कूदने में हमारी सहायता करता है और प्ले जो कि आप सारे बच्चे करते हैं अर्थात खेलने में हमारी सहायता करता है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये आपका टोटल चैप्टर का सारा मैटर था। और अब आप लोग फिर से देख लीजिए जो भी इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे सभी टाइम। और साथ ही साथ आपको पांचों उंगलियों का नाम भी याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये दो सेंटेंस जो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड इट इज एसेंशियल टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, क्या है, आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट एंड एंड सेकंड आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक जंप एंड प्ले। डू यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।